अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे और मर दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक महमूद। और मैं हूं मोहम्मद नवाज। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है चिनाब ब्रिज लेटेस्ट अपडेट वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज। तो भाई साहब, ये चिनाब ब्रिज जो कश्मीर में बनने जा रही है उसका जो लेटेस्ट जो है अपडेट आई है कि वहां पर जो है वो ट्रैक जो है वो बिछा दिया गया है। तो देखते हैं वीडियो के उसके जो टेस्ट कर रहे हैं और अपना बयान पढ़ देंगे। कौन ऑन करते हैं? 3-2-1 स्टार्ट। फिर से हमारे चैनल पे दोस्तों, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है जो कि चिनाब ब्रिज पर ट्रायल ली गई छोटी ट्रेन से, स्मॉल ट्रॉली ट्रेन से जो कंडक्ट की गई 21 मार्च को सक्सेसफुली कंप्लीट कर दी गई। दोस्तों आपको बात करें चिनाब ब्रिज की, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है, बनाया जा रहा है जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट रियासी में बक्कल और कोड़ी गाँव के बीच में। आपको बता दूं रिवर बेड से इसकी हाइट जो 359 मीटर है और टोटल जो लेंथ है टनल T5 से T6 के बीच वो 1 point something किलोमीटर है। दोस्तों बात करें इस वक्त की जो गुड न्यूज़ चल रही है ट्रॉली ट्रेन से जो इसका ट्रायल की गई, ये आप सामने देख सकते हैं टनल T6 से, ये है टनल T6 का P2 वाली साइड से जो ट्रॉली इस तरीके से बनाई गई इस पे, और ये सामने टनल देख सकते हैं टनल T6 का P2। यहाँ से जो क्या खूबसूरत दृश्य है इस वक्त, ये आप देख सकते हैं सामने चिनाब ब्रिज जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। तो जैसे ही टनल T6 से निकलेगी ट्रॉली तो इस प्रकार का कुछ दृश्य है जो आप देख सकते हैं। ये एक बार फिर से वीडियो को आप देख सकते हैं, इस तरीके की जो ट्रॉली है रेलवे के जो इंजीनियर सीनियर्स हैं वो इस पर किस तरीके से ट्रायल की गई उनके द्वारा, ये आप वीडियो को देख सकते हैं। बक्कल स्टेशन चिनाब ब्रिज के साथ जुड़ता हुआ ये बक्कल स्टेशन है जो कि टनल T5 के बाद ब्रिज नंबर 45। इसका लेटेस्ट अपडेट बता दें, इस पर पटरी डालना अभी बाकी है बट बहुत जल्द इस पर डाल दी जाएगी। रियासी में जितने भी तकरीबन प्रोजेक्ट्स हैं उनमें पटरी वगैरह का काम हो चुका है, लाइटनिंग का हो चुका है, जैसा कि आपको मैंने हर एक टनल के अपडेट में दिया है। अभी और बहुत सारे टनलों का अपडेट अब देना बाकी है। ये कुछ लेटेस्ट अपडेट है बक्कल वाली साइड से, आपको जो दिखा रहा हूँ विजुअल्स, ये बिल्कुल जुड़ता हुआ है चिनाब ब्रिज के साथ। ये जो दोस्तों देख सकते हैं बक्कल एंड से जो चिनाब ब्रिज की पटरी जो है वो यहाँ तक डाल दी गई है। यहाँ पे इसके सामने देख सकते हैं इसको जैसे फिल किए गए, यहाँ पे पहले कितना ज्यादा गहरा खड्डे टाइप का था तो अब इसको जो भर के लेवल कर दिया गया है। टनल सामने 6 और ये बक्कल वाली साइड देखेंगे बिल्कुल इकट्ठा दिखाएं आपको, तो ये ब्रिज नंबर 45 बक्कल जो स्टेशन बनाया जाएगा, डबल ट्रैक होगा यहाँ तक आई थिंक, और इस पर डबल ट्रैक होगा और इस पर पटरी डालना बाकी है। ये बक्कल साइड है, बक्कल गांव है जो एक बहुत ही खूबसूरत गांव है। यहाँ पे जो बक्कल साइड का व्यू है, पहले हमने चिनाब ब्रिज था उसके बाद बक्कल गांव का इस साइड का व्यू, बक्कल स्टेशन का। तो ये थे आज के चिनाब ब्रिज के अपडेट्स। दोस्तों साइड व्यूज करेंगे तो साइड से अगर दिखाएं तो ये जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है इसका कुछ और ही नज़ारा रहता है, कुछ और ही जब जहां से ट्रेन गुजरेगी तो खूबसूरत दृश्य होगा। उम्मीद करते हैं बहुत जल्द जो इस पर ट्रेन चल जाए। ये था आज का लेटेस्ट अपडेट, ऐसे ही आपको डेली हर एक दिन अपडेट मिलता जाए तो हमारे चैनल पे पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, जरूर हमारी सपोर्ट करें, हम भी मोटिवेट होते हैं उससे और आपको और अच्छे से अच्छा अपडेट देंगे, हर एक प्रोजेक्ट का अपडेट देने की कोशिश करेंगे। ये था चिनाब ब्रिज का अपडेट। अब मैं आपको बताऊंगा कि बक्कल आने तक आपको इन गाँव में आने का कितना चैलेंज रहता है, कितने रिस्की रोड रहते हैं। यहाँ के रोड्स हैं जो पहाड़ियाँ हैं, आप देख सकते हैं रॉक रॉक पहाड़ियाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं
कितना ज़्यादा रिस्क रहता है। यहाँ के जो रोड्स होते हैं, बारिश का मौसम रहता है, कभी कभी रोड्स ख़राब हो जाते हैं, लैंडस्लाइड का इशू ज़्यादा रहता है। तो ये कुछ इस तरीके के यहाँ के रोड्स हैं। चलन जी, वीडियो खत्म हो गई। भाई साहब, पहले तो जो था ना ब्रिज देखा ही था कि भाई इस तरह का ब्रिज होगा, लेकिन आज जो है ना वो भाई साहब ने ना वीडियो बनाने की वो कमाल ही कर दिया कि कितना ज्यादा डिटेल से दिखा दिया। तो भाई ये ब्रिज जो है, एक तो इसकी चौड़ाई जो है वो बहुत ज्यादा रखी गई है कि जब ट्रेन गुजरेगी साथ में ना काफी ज्यादा जगह बच जाती है। अगर कोई बंदा टूरिस्ट आता है देखने के लिए तो वो खड़ा भी रह सकता है, इतनी टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन ये है कि जब ट्रेन आएगी साफ जा रहे उधर, उस वक्त तो ब्रिज पे कोई चढ़ना ही नहीं देगा, रोक लिया जाएगा, क्योंकि हादसे के चांसेस हो सकते हैं। तो लेकिन जो ब्रिज है उसके लिए मैं कहता हूँ टूरिस्ट स्पॉट जो है वो ऑलरेडी बन चुके हैं, क्योंकि साथ में ये देखा बाढ़ काफी अच्छे से लगाएगी। तकरीबन आधा भी काम नहीं हुआ। नहीं नहीं नहीं, आधा तो नहीं, आधे से कई गुना ज्यादा 90% काम हो गया, बाकी थोड़ा बहुत रह गया। क्यों? वो जो साने वाला टनल, जो भाई साहब टनल बन गया है सिर्फ उसके ऊपर सिर्फ वो ट्रैक ही बिछाना है। अभी बहुत काम वो इतना ज्यादा जो शुरुआत वाला होता है ना भाई, बेसिक हो चुका है, वो जो है वो ज्यादा टाइम लगता है। अब ये जो काम है भाई साहब, ये तो मैं कहता हूँ आटे में नमक बराबर भी नहीं रहेगा। दिनों का काम बाकी तकरीबन, ये सालों का काम था भाई साहब, मैं कहता कुछ महीनों का रह गया काम। सही बात है, इतना लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट भाई साहब देखा। बेसिक तो मैं कह रहा हूँ ना कि बेसिक हो चुका है, लेकिन अब इसको आगे जो सवाल टनल बन चुका है उसमें जो वो ट्रैक डल चुका है, ट्रैक अभी रहता है थोड़ा थोड़ा, टनल के अंदर तो ट्रैक डाल के वो हो गया था, बाहर जो था बंकर स्टेशन वाला थोड़ा सा रह गया उसमें रह गया। और भाई बहुत ही बड़ा लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट है, मैं साथ में बाढ़ भी लग रही है। हाँ, वर्क चल रहा है, बड़ा तेजी से काम पड़ा हो रहा है। और भाई साहब देख के पता चलता है कि भाई साहब इंडियन गवर्नमेंट ने पैसा खर्च किया आवाम के लिए, इससे एक तो भाई साहब टाइम की जो है वो बहुत ज्यादा बचत हो जाएगी, और जो कश्मीरी है उनके लिए, और इंडिया से जो अगर साजो सामान आता है कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से बढ़ गई। तो ये भाई बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट है। एक तो शानदार ब्रिज बनी, शानदार दुनिया के सबसे, एक छोड़ा है फायदे कितने लेंगे, सफर कम होगा, वक्त बचेगा, फ्यूल बचेगा, खर्चा कम होगा। अच्छा मैं पहले सोच रहा था भाई इतना जो है खतरनाक ब्रिज बनाना वो भी चुनौतियां वाला है, क्योंकि मशीनरी का बेशक इस्तेमाल है, लेकिन जो इतना हैवी वो आर्क जो है
वो उसको आपस में सिरे जोड़ना दोनों तरह से, मैं कहता हूँ वही बहुत बड़ा तो मशीनों से ही जोड़े हैं ना, चाहे मशीनों से लेकिन उसमें थोड़ी सी चूक भाई साहब सारा हार्ट जो है वो गिर सकता है। मशीन के पीछे है तो इंसान है, ये भी तो देखे ना कि थोड़ी सी चूक से भाई साहब बहुत ज्यादा नुकसान तो ये भी है कि इंजीनियर और जो मशीनरी चलाने वाले जो कारीगर थे वो बड़े आउट क्लास ही होंगे जो इतनी बड़ी चुनौती को वो बस सर अंजाम दे रहे थे। तो ये टोटल जो प्रोजेक्ट है भाई बहुत बढ़िया था, और इसमें एक तो मैं सोच रहा था कि भाई इतना ऊंचा ब्रिज जो बना रहे हैं अगर वो पहाड़ है ना तो वो पहाड़ को मिट्टी जो है उधर से काट के वो नीचे की तरफ फेंकें तो वो भी तो बंद हो सकती थी जगह कैसे, मतलब तो फिर दरिया कहाँ से पानी कहाँ से गुजारना था उसमें पाइप लगा देते नीचे, पाइप से इतने बड़े पाइप कहाँ से लाते हैं, दरियाओं का पानी जो है वो पाइपों से भाई साहब गुजारना है। अरे इतना बड़ा दरिया भी तो नहीं था, आपके हिसाब से इतना बड़ा नहीं, अरे ब्रिज देखे ना कितना चौड़ा, लेकिन ये है कि भाई साहब वहाँ पे वो एक चीज पता है दुनिया में पानी है जिस पर कंट्रोल करना मुश्किल है, बाकी तकरीबन हर चीज पर कंट्रोल इंसान का हो जाता है। और भाई साहब रास्ते भी वो भाई साहब ने दिखाया कि वहाँ के रास्ते वैसे ही डर लगता है बंदा बंदा तो भाई साहब कोई पता नहीं गाड़ी फंस जाए किसी वक्त, जिस तरह इधर बारिशें भी ज्यादा होती है बर्फबारी भी होती है फिसलन ज्यादा, तो मतलब कठोर रास्ते है तो वो तो बिल्कुल है। तो यहाँ पे भी ट्रेन का इतनी हाइट में जब मैं कहता हूँ चलेगी तो भाई साहब उस वक्त भी मैं कहता हूँ जो पैसेंजर होंगे उनके भी अंदर कह जाए नहीं थोड़ा सा हिलजुल तो हो गई क्योंकि भाई साहब इतनी हाइट के ऊपर जब गुजरना है ब्रिज के ऊपर तो वही भाई साहब थोड़ा सा डर तो लगे एक नया नया चलो ये इस बात का तो उन्हें पक्का अंदाजा पता भी है कि ब्रिज ऐसे नहीं बना तो भाई साहब जिसको बम का कोई असर नहीं इसको बम भी लग जाए ना उसको भी ये क्वालिटी है इसकी हवा का वो ध्यान रखा गया इतनी हवा जो वो भी बर्दाश्त कर सकती तो सारा इंजीनियरिंग जो है वो जदीद तरीके से बनाएगी कमाल सा ये तो भाई साहब अपने आप में भाई साहब अजूबा है ये ब्रिज अजूबे से कम नहीं है ऐसी बात तो ठीक है भाई बड़ा अच्छा लगा देख के और ये भी इंडियन गवर्नमेंट ने भाई बहुत अच्छा स्टेप कमाल बहुत अच्छा स्टेप तो ठीक है भाई मिलते हैं वीडियो के साथ तब तक के लिए इजाजत दें अल्लाह हाफिज़।